बता रहे जी सर बताइए। बिल्कुल बहुत सही बोला अनिल जी, ये और पे ध्यान रखूंगा मैं। अब जैसे आज जो स्टॉक दे रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जेम्स में कवर कर लिया, बट चूंकि हमारे पास पूरी मैं डेटा मतलब डे वन से मतलब इनफैक्ट पहले की भी है मेरे पास, बट कोरोना के बाद जब से हमने हमारी पारी में खेलने लगे और जो 2020 पर्टिकुलरली अप्रैल में जून से बहुत एग्रेसिवली हम लोगों ने पूरी एक एक स्टॉक एक एक चीज कब टारगेट अचीव होता सारा हम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, कितने टारगेट्स मेरे 2020 में हुए, 2021 में हुए, 2022 में, और हर सेगमेंट के स्टॉक्स का हम लोग ट्रैक रखते हैं। तो उसी चीज में से पता चला कि एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं कम से कम 10-20 बार वैसे जिक्र कर चुका हूं, जब भी आप लोग सवाल पूछते हैं रेलवे स्टॉक्स के ऊपर और मैं जवाब देता हूं कि मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है, बट उस स्टॉक को मैंने जेम्स में आज पहली बार कवर किया और उस स्टॉक का नाम है अनिल जी राइट्स RITES, एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि जेम्स में स्टॉक और बल्कि 200 रुपए से मतलब आज तो 16-17 हजार करोड़ और मैं जब बोलना शुरू किया था 703 रुपया 705 रुपया। मैं सुबह सुबह एक्चुअली एक ऐप जब आता हूँ तो स्टॉक की प्राइस जरूर देखता हूँ कि भाई देने के पहले बहुत ज्यादा भागावा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टॉक राइट्स को देखिए, सरप्राइजिंगली मैंने 200-250 रुपए की रेंज में, अभी जब रेलवे स्टॉक्स चलने वाले थे तो मैंने बोला था कि ये स्टॉक एक अलग टाइप का स्टॉक है पूरे रेलवे सेक्टर में। सबसे बढ़िया बात है कंसल्टेंसी सर्विस ड्रिवन स्टॉक जिसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती मार्केट दे रहा है, और यहाँ पे आज भी अगर ये 38 के पी मल्टीपल पे इन स्टॉक्स को बहुत ज्यादा पी मल्टीपल्स मिलती है। और ये स्टॉक की मैं देखता हूँ तो अगर क्लेम ये करते कि कई मतलब सारे रेलवे स्टॉक्स में से ओनली एक्सपोर्ट करने वाली रेलवे स्टॉक यही है, मतलब इसमें और कुछ चीजें देखिए मैं कौन कौन नोट्स पढ़ रहा था, तो इसमें भी एक चीज है कि क्लेम टू बी ओनली इंडियन कंपनी विद एक्सपर्टीज कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, मतलब राइट्स जरूर है, रेलवे जरूर लगा हुआ है, बट सारे अलग अलग एरियाज में ये लोग अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लीजिंग करते हैं, इन सब से लोग के अलग अलग रेवेन्यूज आती है। और मतलब जो रोलिंग स्टॉक ओवरसीज मतलब थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा ये ऐसी लाइन इन्होंने अपने ही उसमें लिखी हुई है। और ओवरऑल जो मैं अब एक बार बात करना चाहूंगा ऑर्डर बुक को लेकर कंपनी का ये कहना था कि अभी शुरू में ये 800 एक बार मैं टारगेट भी बता दूं 830 का टारगेट है, अभी ये 825 से नीचे आया, मार्केट का करेक्शन था तो सर्टेनली थोड़ा नीचे आएगा, जून के महीने में हमने देखा करेक्शन है और फिर वहां से ये सपोर्ट भी ले रहा है, अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। रीजन ये था कि कौन कौन नोट्स आए अभी जून में, एक तो पुरानी ऑर्डर बुक में थोड़ा सा मतलब ऑर्डर बुक कम था, बट येट ऑर्डर बुक ऐसा भी नहीं कि कम नहीं, और बट नए कुछ ऑर्डर्स इन्होंने मोजाम्बिक से बांग्लादेश से 1200 करोड़ के इन्होंने लिए हैं, और फिर दूसरा इनके पास और भी कुछ ऑर्डर्स है, और अभी कंसल्टेंसी की ऑर्डर बुक है 2600 करोड़ की, विच इज ह्यूज, कंसल्टेंसी की 2600 करोड़ की ऑर्डर बुक, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर ही टोटल टर्नओवर 2600 करोड़ होता है, तो आगे की गाइडेंस और आगे की जो विजिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है और ग्रोथ अच्छी आनी है। अब मैं एक बार थोड़ा सा इनके फंडामेंटल्स पे आ जाता हूँ, और थोड़ा सा मैंने बता ही दिया कि रेलवे स्टॉक्स वैसे ही चल रहे हैं और जबरदस्त करेंगे ही, और देखिए करीब इनकी 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 18% रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड तो देते ही हैं सारे पीएसयू स्टॉक्स, बहुत बढ़िया, उनमें से ये भी एक बहुत बढ़िया है। अभी भी इतना चलने के बाद मतलब जहां से हम लोग जनरली मैं क्या हमारे पैनल में सब ने इस स्टॉक के बारे में काफ़ी जिक्र किया हुआ, तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि हो सकता है कि पहले से काफ़ी क्लाइंट्स और काफ़ी फ्रेंड्स रिलेटिव सबके पास हो, बट येट द स्टॉक वॉज एट अ वेरी गुड लेवल, सो दैट रियली डिजर्व्स अ मेंशन। और अब अच्छे लेवल पे होने के बाद यहाँ से एक जीरो डेट कंपनी और 8-10% के लेवल से ग्रो कर रही है, एंड मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो जो मैंने बताया अभी मार्च 2023 में 140 करोड़ का पैट था, उसके सामने 137 करोड़ का पैट, बट ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिट के फ्रंट में भी, और ये टैक्सेशन को लेकर थोड़ा डिफरेंस जरूर आया, बट ओवरऑल हाईएस्ट एवर जो टॉप लाइंस है और बॉटम लाइंस है पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूसली दे रही है और बढ़िया कर रही है, और गवर्नमेंट का 72-73% का होल्डिंग और FIIs DIIs अच्छा खासा होल्ड करते हैं इसमें 16-17%, तो पब्लिक के हाथ में 12-12.5% है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा और 790 और 830 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए 830 और 890 भी है, दो है ना टारगेट, 830-890 790 जैन साहब 790 और 830